वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ पांच स्किन केयर मिस्टेक्स के बारे में, जो कि आप लोग कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप वो मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से आपकी स्किन ना तो ठीक हो रही है, ना ही आप जो भी खा रहे हैं या जो भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी पाँच गलतियों के बारे में जिनको आप अवॉइड कीजिएगा, तभी आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या एक हेल्दी स्किन जो है अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्किन केयर मिस्टेक से, जो कि आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। वो ये है कि आप अगर कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो उसको 10-12 दिन फॉलो करके जब आपको लगता है कि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, आप उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर देते हैं, नया प्रोडक्ट ले आते हैं। ये सेम चीज़ है आपका ऑइंटमेंट्स के साथ में, ये सेम चीज़ है आपका फेस वॉशेस के साथ में या सीरम्स के साथ में। किसी भी प्रोडक्ट को आपकी स्किन पे वर्क करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो अगर आप उस टाइम को नहीं देंगे तो वो प्रोडक्ट कोई रिजल्ट नहीं दिखाने वाला, एंड बार बार प्रोडक्ट्स चेंज करने की वजह से आप अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म में ख़राब करेंगे। बिकॉज हर प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग होता है, हर प्रोडक्ट का पीएच अलग होता है, तो अगर आप बार बार नए नए प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में ख़राब होगी, एंड ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो अभी तो प्लीज़ आज से ही स्टॉप कर दो, एंड एक अच्छा काफ़ी अच्छे से रिसर्च करो, एक अपना एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन तैयार करो एंड उसे फॉलो कीजिए कम से कम 2 से 3 महीने। बिल्कुल उसको बंद नहीं करना है, ना ही उसको बार बार चेंज करना है, उसके ऊपर स्टिक रहिए, तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा अपना प्रोडक्ट्स में लगा देते हैं, अपनी डाइट के ऊपर आप एक रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। बिकॉज प्रोडक्ट्स वगैरह सब आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, उन सब का अपना अलग जो है बोलते हैं महत्व है, लेकिन अगर आप खाने में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जैसे जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुगर वाली हैं, या बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्किन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो आपके बॉडी में आपके लिए जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वो आप अपनी स्किन को अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो चीज़ आपको देनी चाहिए। पॉइंट बताने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी अमेज़ॉन पे एक बहुत ही कमाल की सेल चल रही है, आप सभी को जानते होंगे इसके बारे में, और आपको बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है, और जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं मैंने सबकी लिंक दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एंड साथ साथ आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। सो आज की वीडियो की थर्ड मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, इसीलिए वो नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बैड रिएक्शन करती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सारे केमिकल्स खराब नहीं होते हैं, एंड अभी इंडिया में ऐसा कोई एकाधा ही ब्रांड ऐसा है जो कि बिल्कुल 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स देता है। किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ एडिटिव्स होते ही हैं। चाहे कितना ही आपका प्रोडक्ट नेचुरल हो, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मिलावट ज़रूर होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप 100% प्योर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और केमिकल वाले करोगे तो ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर केमिकल का अपना अपना रोल है, हर प्रोडक्ट का अपना अलग फॉर्मूला होता है। सो अगर आप केमिकल्स वाले प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तो आपकी स्किन बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जोर नहीं देना है। अगर आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से ही अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी चौथी मिस्टेक, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज की डेट में, वो ये है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, तो जो भी आपको डॉक्टर बताता है, भले वो कितना भी खतरनाक ड्रग हो या कितना भी कोई मेडिसिन हो, आप बस ले लेते हैं आँख बंद करके, आप अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं। बहुत सारे जितने भी आपको एक्ने या पिंपल्स की कंडीशन है, दो मेडिसिन बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, एक कोई भी एंटीबायोटिक होती है जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन होती है मोस्टली, या डॉक्सीसाइक्लिन होती है, या होती है आइसोट्रेटिनोइन। तो इस तरह की मेडिसिन को लेने से आपकी स्किन जो है आप परमानेंटली फिक्स नहीं कर सकते, ये सब एक टेम्पररी फिक्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको एंटीबायोटिक्स दिए हैं डॉक्टर ने
हैं, तो आप कितने टाइम तक एंटीबायोटिक्स पे रहेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन लोग 6-6 महीना यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक्स आपके किडनी एंड लिवर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक्स पे इतना ज़्यादा लाइन ना करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये सेफ नहीं होती आपके लिए। तो आपको हमेशा एक ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि आप उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें। तो एंटीबायोटिक्स उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं तो आप उनसे पूछिए कि इसका कुछ अल्टरनेटिव दे दीजिए हमें, जिससे हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं और उनकी स्किन या उनकी बॉडी की अदर चीज़ें खराब होती हैं। मिस्टेक जो कि आप लोग अक्सर करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, देखिए, अगर आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम अपने हाथों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़ोन पर बात करें तो आपको अपने फ़ोन को बार बार क्लीन करते रहना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप खाना खाते हैं या उस टाइम अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं या कहीं आप उस फ़ोन को रख देते हैं, तो हर जगह जर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप कहीं भी ऐसी जगह, गंदी जगह फ़ोन रख रहे हैं, तो उसके ऊपर जर्म्स आ जाते हैं, और जब आप कॉल पर बात करते हैं तो वो जर्म्स आपकी स्किन पे लगते हैं एंड आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके जो पिलो केसेस हैं वो बहुत गंदे रहते हैं, बेडशीट बहुत गंदी रहती हैं, तो वो भी चीज़ बहुत गलत है। और अगर आप रात में मेकअप लगा के ही सो जाते हैं और आपको जो रात है उसको रिमूव करने में, तो वो भी बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत बिल्कुल नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। ज़्यादा इस्तेमाल करना भी सनस्क्रीन का अच्छा नहीं है आपकी स्किन के लिए, और बहुत ही कम इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं है आपका। ठीक है, तो हमेशा अगर आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर आप बैठे हैं अपने एक रूम के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है दिन में 3-4 बार आप अप्लाई करें, उसका फिर कोई सेंस नहीं बनता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप एक बंद रूम में बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे पूरा दिन, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 3-4 बार सनस्क्रीन अप्लाई करें। अगर आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चाहते हैं तो आप एक बार लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर 3 घंटे में या 2 घंटे में बार बार उसको रीअप्लाई करना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एंड बार बार। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि ज़्यादा एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, कि जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं कि AHA BHA मास्क यूज़ कर रहे हैं, फिर BHA आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, फिर सीरम भी BHA यूज़ कर रहे हैं, फिर आप कुछ रेटिनॉल नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी अच्छा नहीं होता आपकी स्किन के लिए। सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि आप लोग करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो प्लीज़ ये चीज़ रिपीट ना करें, ताकि आप, बिकॉज आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है अपनी स्किन को लेके। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, साफ़ सफाई रखिएगा, एंड जो भी स्किन के रूटीन फॉलो करें उसे अपना 100% देके फॉलो कीजिए। सो आज की वीडियो में इतना था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कौन सा, तो पहले आपका दिन